हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास फोर्थ हिंदी, हिंदी में है आपके चैप्टर नंबर 7 पतंग और गुब्बारा, जो कि हमने पहले पढ़ा था। आज हम इसके करते हैं अभ्यास प्रश्न। हमने कर लिए थे जो कि लिखित प्रश्न आज हम करेंगे, जिसमें है सबसे पहला प्रश्न है आपके, पतंग स्वयं को ऊंचाई पर देखकर क्यों खुश हो रही थी। इसमें पूछा है पतंग स्वयं को अपने आप को ऊंचाई पर देखकर क्यों खुश हो रही थी। तो आपको उत्तर लिखना है, पतंग स्वयं को ऊंचाई पर देखकर इसलिए खुश हो रही थी क्योंकि उसको यह विश्वास नहीं हो रहा था, यह विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इतनी ऊंचाई तक उड़ सकती है। ठीक है, इतना ही लिखना है आपको इसका उत्तर। फिर सेकंड प्रश्न है आपके, पतंग गुब्बारे पर क्यों हंसी। इसमें पूछा है पतंग गुब्बारे पर क्यों हंसी। तो आपको उत्तर लिखना है, पतंग गुब्बारे पर इसलिए हंसी क्योंकि गुब्बारे की पूंछ कटी हुई थी और धागा नीचे हवा में झूल रहा है जैसे बेपैंदे का लोटा हो, इसलिए हंसी थी। ठीक है कि भाई गुब्बारा जो है, पतंग इसलिए हंसी क्योंकि गुब्बारे की पूंछ जो है कटी हुई थी और उसका धागा जो है नीचे हवा में झूल रहा था जैसे कि कोई बेपैंदे का लोटा हो। उसके बाद में है आपके प्रश्न नंबर 3, मांझा कैसे बनाया जाता है। इसमें पूछा है मांझा कैसे बनाया जाता है। तो आपको लिखना है, कांच को महीन पीसकर गोंद की सहायता से धागे में लगाकर मांझा बनाया जाता है। जो कांच होता है उसको बिल्कुल बारीक पीसा जाता है, फिर उसको चिपकाने वाला जो गोंद होता है उसको लेकर धागे पर लगाया जाता है गोंद की सहायता से, जिससे मांझा बनता है। ठीक है, उसके बाद में है आपके अगला प्रश्न, गुब्बारे की कौन सी बात सुनकर पतंग आग बबूला हो गई। यहाँ पर मुहावरा है आग बबूला। आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत ही गुस्सा करना। तो आपको उत्तर लिखना है, गुब्बारे की कौन सी बात सुनकर पतंग आग बबूला हो गई। आपको उत्तर लिखना है, गुब्बारे ने कहा तुम्हारे क्या कहा तुम्हारे ऊंचा उड़ने में तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, कमाल तो तुम्हारी पूंछ का यानी कि डोर का है। पूंछ यानी इसमें पूंछ किसको कहा गया है, पतंग की डोर को, यानी डोर का है जिससे तुम बंधी हो और उड़ रही हो, मुझे तुम्हारी तरह किसी सहायता की जरूरत नहीं है। यह बात सुनकर पतंग आग बबूला हो गई। ठीक है, उसके बाद में नंबर 5, गुब्बारे ने ऐसा क्यों कहा कि हम दोनों ही हवा पर निर्भर है। ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि देखो गुब्बारे ने ऐसा इसलिए कहा कि हम दोनों, इसका उत्तर जो है, गुब्बारे ने ऐसा इसलिए कहा कि हम दोनों हवा पर निर्भर है क्योंकि पतंग आसमान में हवा के द्वारा उड़ती है। यहाँ तो आपको भी पता है जो पतंग जो है हवा के द्वारा उड़ती है और गुब्बारे में हवा भरी होती है। क्या भरी होती है, हवा भरी होती है जो चारों ओर की हवा से हल्की होती है। गुब्बारे में जो गैस भरी होती है ना, वह चारों ओर की हवा से बहुत ही हल्की होती है, जिसके कारण वह भी आसमान में उड़ता है। इसलिए उसने ऐसा कहा था कि हम दोनों हवा पर निर्भर है। क्या कहा था, गुब्बारे ने ऐसा इसलिए कहा कि हम दोनों हवा पर निर्भर है क्योंकि पतंग आसमान में हवा के द्वारा उड़ती है और गुब्बारे की जो हवा जो होती है में हवा भरी होती है चारों ओर की हवा से हल्की होती है, जिसके कारण वह भी आसमान में उड़ता है। ठीक है, यह आपके हो गए लिखित प्रश्न। अब इसके बाद में आपके क्या है, भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण में शब्द दिए गए जिनके आपको विलोम शब्द लिखने। सबसे पहला शब्द है हार, हार का विलोम होगा जीत। फिर है हल्की, भारी, जमीन, आसमान,
ज्यादा, थोड़ा। फिर क्या है? विश्वास, अविश्वास, सम्मान, असम्मान। ठीक है, अब है आपके प्रत्येक पंक्ति में असमानार्थी शब्द पर गोला लगाइए। जो समानार्थी शब्द नहीं है उसके ऊपर गोला लगाना है। जैसे कि जमीन, जमीन के समानार्थी है भूमि, धरती, पृथ्वी। दामिनी इसका जो है समानार्थी नहीं है। फिर है पानी, पानी के समानार्थी है वारी, नीर और जल। मेघ जो है इसका समानार्थी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में है हवा। क्या है? हवा, हवा का पवन, समीर और वायु जो है समानार्थी शब्द है। चंचल जो है इसका समानार्थी नहीं है। उसके बाद में है आसमान। क्या है? आसमान, आसमान का होगा गगन, नभ और आकाश जो है आसमान के समानार्थी है। रवि जो है आसमान का समानार्थी नहीं है। ठीक है, यह आपके हो गया। उसके बाद में है ज। सही शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। यहाँ पर सही शब्द चुनकर आपको सामने जो शब्द दे रखे हैं उनमें से आपको चुनकर खाली जगह भरनी है। संदीप नीचे है, खड़ा या चढ़ा? इसमें होगा खड़ा, खड़ा है। मैं धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ा। उसे एक आवाज सुनाई पड़ी। अक्षित अमन की बड़ी बहन है। एक रंग बिरंगी पतंग ऊंची उड़ रही थी। प्रियांशी किताब पढ़ रही थी। ठीक है, ये आपके हो गए। भाषा और व्याकरण वाले भी, जो कि आपको कॉपी में करने हैं लिखित प्रश्न और भाषा और व्याकरण। ठीक है, थैंक यू बच्चों।